हमें एक ऐसे करियर को अपनाना चाहिए जो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से पूरा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। इस वक्त मेरे साथ बात करने के मौजूद हैं डॉक्टर एके गुप्ता, जो कि छत्रपति सीएसजीएमयू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। हम इनसे आज जानेंगे, हम इनसे आज पूरे विस्तार से बात करेंगे आखिर क्या होती है फार्मेसी, क्योंकि अभी भी अब फेस्टिव सीजन पूरी तरह से खत्म ही हो चुका है, एग्जाम सीजन आ गया है, कॉम्पिटिशन सीजन आ गया। उन व्यूअर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आज की हमारी स्टोरी बहुत कारगर होगी, जो कंफ्यूज रहते हैं कि हम पैरा मेडिकल में ज्यादा अच्छा करियर बना सकते हैं, प्योर मेडिकल बना सकते हैं। जैसा कि सर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये एक अपना एक सेपरेट सेक्टर है जिसमें नाम है, पैसा है, शोहरत है, आपकी मेहनत कितनी होती है, आप सारी चीजों को आप कंसिडर कैसे करते हो, ये लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडियन आईटी में। क्या खास चीजें हैं फार्मा में, थोड़ी विस्तार से? देखिए, फार्मेसी एक हमारे देश की नहीं अभी तो पूरे विश्व की बहुत पुरानी विधा है। धन्वंतरी, आयुर्वेदा और ये जितनी भी आप पुराने समय की चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तो उसमें फार्मेसी विधा का इन्वॉल्वमेंट, और ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसको करने के पश्चात आप समाज में एक अपनी सेवा का भी योगदान दे सकते हैं, और इसके साथ साथ रिसर्च करके आप नई नई दवाइयों का इजाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आए दिन ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है कि जो बीमारियां हैं जिसको हम पहले जानते थे कि खांसी है या जुकाम है, वो उन दवाओं से आज की डेट में सही नहीं हो पा रही जो दवाएं किसी समय में इसके लिए कारगर सिद्ध होती थी। तो नई दवाओं के इजाद करने के लिए जो फार्मेसी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से ही ये कार्य संपादित किया जा सकता है। तो रिसर्च की अपार संभावनाएं इसमें हैं, और इसमें आप ग्रेजुएट होने के बाद या डिप्लोमा होल्ड करने के बाद मेडिकल स्टोर या दवा का वितरण का जो कार्यक्रम है वो इसी के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि ये सभी को पता है या नहीं पता, लेकिन आपके चैनल से, आपके माध्यम से सबको पता चलेगा कि MBBS या मेडिकल कोर्स करने के पश्चात भी उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन स्वयं कर सकें जी। तो ये अपार संभावना वाला एक कोर्स है, और ये एक ऐसा कोर्स है, ऐसी विधा है कि जिसको करने के पश्चात आदमी कभी भी खाली नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स हैं, और आप अपने स्तर पर जिस लेवल पे काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं। अगर आप एक क्लिनिक खोलते हैं, आपके पास एक नंबर ऑफ पेशेंट निश्चित होता है कि इतने लोग आएंगे तो आपको इतनी कमाई होगी, लेकिन ये फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आपको जानकारी हो या आप जानकारी हासिल करें, तो दिस इज द फील्ड जिसमें अगर कमाई हर चीज की जो आकलन है वो कमाई से किया जाता है, तो इसमें कमाई के लिए स्काई इज द लिमिट, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल, जीवन अनमोल है, और जीवन की रक्षक कोई भी दवा होगी। आपने ये देखा होगा, अस्पताल जाए या कहीं पर भी अपने पर्सनल जीवन में इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए या अपने अपनों के जीवन को बचाने के लिए कोई भी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक आपने वर्ड सुना था पेटेंट, तो अगर कोई नया मॉलिक्यूल इजाद किया जाता है जिसकी, या कह सकते हैं डिस्कवर किया जाता है, और वो किसी पर्टिकुलर बीमारी में यूजफुल है, तो उस पेटेंट के तहत गवर्नमेंट भी ये अधिकार देती है कि आप जितना चाहे, मतलब एक ऑफकोर्स कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल को इजाद करने में जो भी खर्चा आया है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होती है। तो सर, अक्सर ये देखा गया है अगर एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने के लिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि आज भी हर एक अगर किसी को एक, क्योंकि या फिर हो सकता है आपने जैसा बोला कि अभी अवेयरनेस की कमी है, एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने के लिए, सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? पहले तो मैं आपको एक बात के लिए रोकूंगा कि अवेयरनेस आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन का एज, इंटरनेट का जो एज है, तो अवेयरनेस की अब उतनी कमी नहीं है जो एक जमाने में। लेकिन सर, लोग अवेयर हो जाते हैं मगर उन चीजों पे इंप्लीमेंट नहीं, हाँ इंप्लीमेंट नहीं करते। ये पर्टिकुलर समस्या थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया में है, लेकिन सेंट्रल और साउथ में जाएंगे तो आपको इस टाइप की समस्या कम मिलेगी। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी केवल नॉर्थ इंडिया में ही 200 इंस्टीट्यूट, नए फार्मेसी के इंस्टीट्यूट खुले हैं और उनके लिए आवेदन आए हैं, ऑल इंडिया
काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डाटा को आप चेक कर सकते हैं, डाटा को चेक कर सकते हैं। और इस बार जो रुझान भी रहा है इंजीनियरिंग के मुकाबले फार्मेसी में रुझान ज्यादा रहा है एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इससे आप कोई भी सेवा जब आप करते हैं तो उससे जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती। तो जब आप दवा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पेशेंट आपका आभार व्यक्त करता है, उसको लाभ होता है आपके नॉलेज का, तो वो अतुलनीय है। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी चाहिए वो चाहिए होती है ह्यूमैनिटी को सर्व करने की क्वालिटी, कि आपके अंदर ये जज्बा हो, आपके अंदर ये इनबॉर्न क्वालिटी हो कि आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, सेव करना है। दूसरी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड क्वालिटी है इस प्रोफेशन में, क्योंकि जरा सी मात्रा की गड़बड़ी, कली अगर आप न्यूज चैनल पर गौर करेंगे तो 1 किलोग्राम का जो मानक है उसमें ये बताया गया कि पिछले कई विगत दशकों में 10 मिलीग्राम की चेंजेस आई है, जो कि आम भाषा में 10 माइक्रोग्राम का चेंज आया है, जो कि आम लोगों के लिए 10 माइक्रोग्राम से पहले, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया किसी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10 माइक्रोग्राम की जो दवा है जो जहर का भी काम कर सकती है और जीवन रक्षा का भी काम कर सकती है, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इसीलिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इन ऑल टर्म्स, दैट इज रिक्वायर्ड पेशेंस। कोई भी डिस्कवरी में, कोई भी नई चीज को खोज करने में, आपको किसी भी साइंटिस्ट की स्टोरी आप पढ़ लीजिए तो पेशेंस चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर वो जो ट्रेनिंग की अवस्था शुरू होती है हमारे यहाँ 10 से 5 तक का जो शेड्यूल है, जो क्लासेस का शेड्यूल है, तो आप ये पाएंगे 10 से 5 मतलब 10 से 5, इससे प्लस हो सकता है, इससे रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये जो ट्रेनिंग इनको यहाँ मिलती है वो उनके अंदर पेशेंस भी डेवलप होता है, नहीं तो उसकी प्रोडक्टिविटी फ्यूचर में, ऑफकोर्स वो प्रोडक्टिविटी निकलती है, उनके अंदर पेशेंस डेवलप होता है, उनके अंदर स्टैमिना भी डेवलप होता है। और ये लैब में जहाँ पर आप खड़े इस चीज को आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, तो दे हैव टू कंटिन्यूसली स्टैंड एंड दे हैव टू डेवलप द स्टैमिना, दे हैव टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन इज अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड बट हियर इट इज मोर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि अगर डिस्कवरी की बात करें इस लैब में या प्री क्लिनिकल स्टडीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि किसी भी ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये परफॉर्म की जाती है ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स के द्वारा ही, फार्मेसी फील्ड के रिसर्चर्स पर मेजर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और अगर ये डेटा सही होंगे और वो आगे सही तरीके से जाएंगे तब वो ह्यूमन पे ट्रायल होगा। और ह्यूमन पे ट्रायल होने के बाद फिर जैसे होते क्लिनिकल ट्रायल, तो वो मॉलिक्यूल है वो ड्रग के रूप में काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, वो डिसीजन होता है। तो सर मैं इसके अलावा आपका थोड़ा नजारा भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हो कि ये होता है, ये वही लैब है जहाँ पे भविष्य के जैसे फार्मासिस्ट तैयार होते हैं जो कि तय करते हैं क्या सारी चीजें अपने आप में अहम होती है। और आप देख सकते हो इस समय CSJ योगा एक ऐसा आधुनिक लैब जहाँ पे सर ने बताया 10 to 5 पूरी टाइमिंग रहती है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा आपको जूम करके आपको यहाँ का कुछ नजारा दिखा है, अलग ही नजारा है यहाँ पे कि टाइम लिया जाता है। तो इसी के साथ कैमरामैन रजत के साथ आकाश इंडिया लैब टीवी कानपुर।